अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी अननोन नंबर को ट्रेस कर सकते हो, आप उसके ओनर का नाम पता कर सकते हो, उसकी डिटेल्स मुकम्मल डिटेल्स आप कैसे हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई अननोन नंबर तंग कर रहा है आपके पर्सनल नंबर पर या आपके फैमिली नंबर पर, किसी अननोन नंबर से मैसेजेस कॉल्स वगैरह आ रही हैं और आप पता करना चाह रहे हो कि वो नंबर किसका है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे उसको ट्रेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है या यूट्यूब पे मेरे चैनल को विजिट करके इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, आप तमाम वीडियोज़ को देख सकोगे और उनसे फ़ायदा उठा सकोगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम किसी अननोन नंबर को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको बताने से पहले मैं आपको एक कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक अननोन नंबर के साथ की थी। आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। उसने पहला फर्स्ट मैसेज जो मुझे आया था बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था कि सब्ज़ी है या लानी है। तो ये मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज आया, पता नहीं कौन था मुझे मैसेजेज ये, फिर हमारे इसमें दरमियान कन्वर्सेशन हुई, आप उसको देख सकते हो। फिर मैंने उस नंबर को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद जब मैंने उसको उसका नाम बताया मैसेज में, रिप्लाई में बताया, तो वो बंदा परेशान हो गया। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप तो मेरा नाम भी जानते हो, आपको कैसे पता, आप मुझे ट्रेस करके बताओ कि मैं किधर हूँ कहाँ हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स आप भी किसी अननोन नंबर को ट्रेस कर सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी आप भी जान सकोगे। तो फ्रेंड उसके लिए मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत आम हो चुका है, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो और भी जितने सोशल मीडिया मैसेंजर्स हैं हर कोई यूज़ करता है। और जो मैक्सिमम मैसेंजर्स होते हैं उनमें हमें अपना नंबर एंटर करना पड़ता है, जैसे व्हाट्सएप पे अगर आप आईडी बनाना चाह रहे हो तो आप लाजमी उसमें अपना नंबर एंटर करोगे तो आपकी आईडी बनेगी। तो ऐसे में जो इंटरनेट पर जो डेटाबेस होती है उसमें वो नंबर आपका सेव हो जाता है, तो अगर आपका कोई नंबर सर्च करना चाहे तो उसको वो नंबर बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो आप चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उस नंबर को ट्रेस कर सकते हो डिफरेंट तरीक़ों से। तो फ्रेंड जो सबसे पॉपुलर तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है फेसबुक। फ्रेंड्स फेसबुक के ज़रिए आप बहुत से जो नंबर्स हैं उनको ट्रेस कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ट्रेस कर सकते हो। ये जो मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन शेयर की है ये नंबर भी मैंने फेसबुक पे सर्च किया था, मुझे मिल गया और पता चल गया कि ये कोई बंदा अननोन ही है, कोई मतलब मैं उसको जानता नहीं था, कोई अननोन बंदा था। तो मैंने उसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया और उसके बाद उसका मैसेज भी नहीं आया, वो परेशान हो गया कि भाई ये तो इसने पता नहीं मुझे कैसे ट्रेस कर लिया। तो आप फेसबुक के ज़रिए किसी भी अननोन नंबर को ट्रेस कर सकते हो, जो मैक्सिमम नंबर होते हैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के ज़रिए मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मेरे नंबर से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ, आप पता करना चाह रहे हो कि ये किसका नंबर है, तो आपने करना क्या है, सिंपली अपनी फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद वहाँ आपने वो नंबर एंटर कर देना है जिस नंबर को आप ट्रेस करना चाह रहे हो। अब जैसे ही मैं देखें अपना नंबर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद सर्च बार में जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें ये सर्च कर रहा है। जब आप सर्च करोगे तो अगर वो नंबर फेसबुक पे हुआ, जो कि मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि होते हैं, अक्सर नंबर होते हैं क्योंकि आजकल हर कोई फेसबुक यूज़ करता है, तो देखें जैसे ही मैंने अपना नंबर सर्च बार में लिख के एंटर किया तो ये मेरी आईडी सामने आ गई। अब यहाँ से आप उस बंदे की आईडी ओपन करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसका नाम आपको पता चल जाएगा। अगर उसने यहाँ पर आपके साथ डिटेल्स अपने बारे में शेयर की हुई हैं तो वो सारी डिटेल्स भी आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएंगी। अब जिस नंबर अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था मैंने उसको फेसबुक से ट्रेस किया था। और इसके अलावा अक्सर जो मुझे अननोन नंबर्स कोई तंग कर रहा हो या किसी अननोन नंबर से मैसेजेस वगैरह आ रहे हों तो मैं फेसबुक सबसे पहले उसको फेसबुक पे सर्च करता हूं और अक्सर मुझे फेसबुक पे वो नंबर मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो नंबर फेसबुक पे नहीं मिल रहा, आप सिंपली उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें, तो अगर वो बंदा व्हाट्सएप यूज़ करता है तो आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो उसकी व्हाट्सएप आईडी आपको शो हो जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, आपको उसकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह शेयर पता चल जाएगी कि ये बंदा कौन है। इसके अलावा जितने मैसेंजर्स हैं वाइबर वगैरह उनमें उसकी आईडी आ जाएगी, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। बहुत ही आसानी से आप उस बंदे की डिटेल्स हासिल कर सकते हो। यहाँ मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे किसी भी कंपनी का नंबर उठाएं और उसकी मुकम्मल डिटेल, उसका ओनर, आईडी कार्ड नंबर या जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया है काफ़ी आम हो चुका है तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। मैंने आपको बताया भी दिया कि कैसे
कैसे मैं अननोन नंबर्स को ट्रेस करता हूँ, लाइव प्रूफ है आपके सामने। तो इस तरह आप बहुत से मैक्सिमम नंबर्स के, जो मैं कहूँगा कि 80% नंबर्स की आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह इंटरनेट से मिल जाएगी। ये तो था सोशल मीडिया वाला मेथड। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं, इससे भी इफेक्टिव हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।